नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजा। आइए एक नजर डालते हैं दिन की 10 खबरों पर। अग्निपथ पर षड्यंत्र की शिकायत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एनआईए को लिखा पत्र, कहा आदिवासियों को देश के खिलाफ भड़का रहे कांग्रेस विधायक। रायपुर IHM में डायरेक्ट एडमिशन, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट में BSc सहित डिप्लोमा कोर्स में ले रहे प्रवेश। इंडिगो एयरलाइंस की महिला कर्मचारी से छेड़छाड़, मेडिकल जांच और कानूनी कार्यवाही से इनकार। अमरनाथ यात्रा में सिचकी बम का खतरा, उदयपुर मर्डर से चुनौती बढ़ी, जवान डेढ़ गुना बढ़ाए। उत्तर बंगाल और उत्तराखंड में बारिश से जमकर तबाही, फ्लाइट को करना पड़ा रद्द, बद्रीनाथ हाईवे बंद। उदयपुर हत्याकांड में कन्हैया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, शरीर में 26 गंभीर वार, गर्दन को रेत कर किया अलग। बागी विधायकों ने असम बाढ़ के लिए CM राहत कोष में 51 लाख रुपए की मदद की। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट पर हमारी पार्टी फैसला लेगी, लेकिन अभी नहीं लिया है, असुद्दीन ओवैसी। जिया खान मर्डर केस में सूरज पंचोली ने की CBI कोर्ट से अपील, जिया खान की मां राबिया के खिलाफ जारी हो गैर जमानती वारंट। NSE फ्रॉड मामले में चित्रा रामकृष्णा सहित 16 कंपनियों अफसरों पर गंभीर आरोप, सेबी ने 43 करोड़ का जुर्माना ठोका। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।